नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन पोर्टल पर मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। संपूर्ण समसामयिकी 2019 के 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस सीरीज का ये मेरा दूसरा लेक्चर है। इस सीरीज का पहला लेक्चर इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, तो अभी तक अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप इस चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के लेक्चर्स लगातार हम इस चैनल डिकोड एग्जाम पर लाते रहते हैं। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो अभी तक हमने 100 प्रश्नों को देख लिया है, अब उससे आगे बढ़ते हैं। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2019 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का स्थान है 140वां और कुल देश थे 156, तो 156 में 140वां। अगला, UNEP के द्वारा हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत और किस देश के द्वारा विश्व के कुल सीमेंट उत्पादन का 2/3 उत्पादित किया जाता है? तो इसका उत्तर है चीन। चीन और भारत मिलकर के पूरे विश्व के 2/3 सीमेंट का उत्पादन कर रहे हैं। अगला, इंटरनेशनल बैंक नोट सोसाइटी ने कनाडा के कितने डॉलर के नोट को बेस्ट नोट ऑफ द ईयर 2018 से सम्मानित किया है? तो 10 डॉलर का ये नोट रहा, तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला, टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी की गई एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2019 में भारत के कितने शिक्षण संस्थानों को स्थान मिला है? तो इसका उत्तर है 82। अगला, अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के पूर्व चेयरमैन A.S. किरण कुमार को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई? तो यह फ्रांस है। अगला, अमेरिका के किस खिलाड़ी को अमेरिका का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका उत्तर है टाइगर वुड्स। अगला, हाल ही में किस देश ने भारतीय लेखिका प्रतिष्ठा सिंह को नाइटहुड अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये देश है इटली। नाइटहुड जब भी हम सुनते हैं तो इंग्लैंड हमारे दिमाग में आता है, तो इसलिए जो है यहां पर विशेष ध्यान रखिएगा, ये इटली है। अगला, हाल ही में किस अनुच्छेद के अंतर्गत कैबिनेट ने जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन के विस्तार को 6 महीने और बढ़ाने की मंजूरी दे दी है? तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 356(4). तो अब जो है जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए आर्टिकल 370, 35A, इन सब चीज़ों को ध्यान से जो है समझिएगा। इससे जुड़े हुए बहुत सारे लेक्चर्स डिकोड एग्जाम पर पूरा जो है कश्मीर की समस्या, आर्टिकल 370, 35A, इन आर्टिकल 370 35A को किस प्रकार से हटाया गया, उसे जिन प्रावधानों से हटाया गया, वो कहाँ पे लिखे हुए हैं संविधान में, सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं, ठीक है? तो उसे देख लीजिएगा, एग्जाम में उससे प्रश्न जरूर आएंगे। अगला, हाल ही में भारत के किस राज्य ने माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार करने पर बच्चों पर जेल की सजा का प्रावधान किया है? दुर्व्यवहार करने पर बच्चों के साथ, ठीक है, इसमें थोड़ा माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार करने पर जेल की सजा का प्रावधान किया है, यह है बिहार, ठीक है, यह बिहार में हुआ है और अच्छी पहल है। हाल ही में भारत की किस कंपनी ने वैश्विक कंपनी IBM को बाजार पूंजीकरण के मामले में पीछे छोड़ दिया है? तो यह है TCS। तो कमेंट में लिखिए जो है इस समय TCS के डायरेक्टर कौन है, किनके निर्देशन में जो है ये कंपनी चल रही है। अगला, हाल ही में किसे दिल्ली हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये है जस्टिस धीरू भाई नारायण भाई पटेल। अगला, हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री टेरिजा मे, जिनकी बात हो रही है, ने सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ब्रिटेन, ये पुराना समाचार हो गया है, तो अभी कमेंट करके बताइए ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है इस समय।
ठीक है, डिस्कशन करते हुए हम चलेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, ये पूरा जो है जनवरी से जुलाई तक है, इसलिए डिस्कशन जो है कमेंट बॉक्स में करते हुए चलेंगे। ठीक है, आगे, हाल ही में किस देश ने 5G के व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है? तो इसका उत्तर है चीन। अगला, कौन सी कंपनी एक बार फिर देश की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली सरकारी कंपनी बन गई है? तो इसका उत्तर है ONGC। और आप कमेंट में बताइए कि ONGC महारत्न कंपनी है या नवरत्न कंपनी है, कमेंट करके बताइए। अगला, वर्ष 2008 के बाद ब्रिटिश एयरवेज ने किस देश के लिए एक बार फिर से अपनी विमान सेवा को शुरू कर दिया है? तो पाकिस्तान। अगला, हाल ही में किस देश के सभी मुस्लिम मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? श्रीलंका में हुआ बम धमाके वाला पूरा मामला आप जान रहे हैं। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना कितने रुपए देने का ऐलान किया है? तो 6,000 तीन किस्त। अगला, G7 शिखर सम्मेलन के 45वें सत्र की मेजबानी करने के लिए कौन सा देश निर्धारित किया गया है? तो फ्रांस को किया गया है। अब मुझे कमेंट करके ये बताइए कि G7 में कौन कौन से देश हैं। अगला, भारत के किस राज्य के वैज्ञानिकों ने कुदक क्रमिया वंश की ततैया की एक नई प्रजाति की खोज की है? गोवा। इसे पढ़ना ही बड़ा मुश्किल है, इसका उत्तर देना तो और भी ज्यादा मुश्किल होगा। तो आगे बढ़ें, हाल ही में भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने वरिष्ठ नागरिकों के पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर कुल 3,000 रुपए करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश में ये हुआ है। अगला, भारत की राजधानी दिल्ली का कौन सा क्षेत्र एशिया पैसिफिक में चौथा सबसे महंगा ऑफिशियल क्षेत्र बन गया है? तो कनाड प्लेस बन गया है। अगला, भारत के किस निशानेबाज ने हाल ही में 7वां ओलंपिक कोटा हासिल किया? तो इसका उत्तर है मनु भाकर। अगला, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फूड चैन स्टारबक्स ने हाल ही में किस देश में अपना पहला साइलेंट कैफे खोला है? तो इसका उत्तर है चीन। अगला, हाल ही में किस कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर कंपनी ने दुनिया का पहला फोल्डेबल स्क्रीन वाला पर्सनल लैपटॉप बनाया है? तो इसका उत्तर है लेनोवो ने बनाया है। अगला, CEAT इंटरनेशनल क्रिकेट अवार्ड्स में किस स्पिनर को आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कुलदीप यादव इसका उत्तर है। अगला, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के पूर्व प्रमुख को अंतरिम मुख्य सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर है शरद कुमार। अगला, किसे 17वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर चुना गया? वीरेंद्र कुमार। और ये बहुत पुराना हो चुका है प्रश्न। आगे, हाल ही में पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा किस स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया? तो चौखंडी स्तूप। अगला, हाल ही में सीनियर वकील मोहित माथुर को किस हाईकोर्ट का अध्यक्ष और अभिजात को सचिव नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली हाईकोर्ट। आगे, श्रीलंका के किस पूर्व क्रिकेटर को MCC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो कुमार संगकारा। अगला, वोडाफोन M-पैसा और फोन पे पर किसने नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया है? तो RBI ने लगाया है। अगला, ICC के द्वारा पहली बार जारी की गई 80 टीमों की वर्ल्ड T20 रैंकिंग में भारतीय टीम को कौन सा स्थान मिला? तो 5वां। तो ये डाटा देख करके आपको लगेगा कि 80 टीम कहाँ दुनिया में है, लेकिन 80 टीम हो गई है दुनिया में। ठीक है, उसी हिसाब से ये पहली बार रैंकिंग निकली है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगला, साइबर सिक्योरिटी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किसने स्कूलों में साइबर सेफ्टी पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है?
पढ़ना या पढ़ाना, CBSE ने किया है। अगला, 15 जून 2019 को नीति आयोग की संचालन परिषद की कौन सी बैठक राष्ट्रपति भवन में आयोजित की गई, तो ये पांचवी बैठक थी। अगला, हाल ही में किसने रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी DSRA के नाम से जानी जाने वाली एक नई एजेंसी को के गठन को मंजूरी दी है, तो सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट कमेटी। ठीक है, अगला, हाल ही में चर्चा में रहने वाला जुआर्क नेट क्या है, ये सब प्रश्न सीधे पूछे जा सकते हैं, तो ये है मानवीय पर्यावरण प्रभाव को प्रदर्शित करने वाला डिजिटल प्लेटफार्म। आगे, Cry1AC जो कि हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चित रहा क्या है, तो ये है एक कीटनाशक प्रोटीन। ठीक है, ये दोनों 136 और 137 ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, अगला, किन दो देशों द्वारा जलवायु आपातकाल की घोषणा की गई है, तो इसका उत्तर है ब्रिटेन और आयरलैंड। अगला, हाल ही में अमेरिका ने किस आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नई पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री स्थापित करने का विरोध किया है, तो ये कहा गया यह प्राइवेट क्रेडिट ब्यूरो के हितों के प्रतिकूल है। अगला, हाल ही में चर्चा में रहा बेला क्या है, तो हाल ही में चर्चा में रहा बेला भारत का एक परमाणु पनडुब्बी है। अगला, 20 मई को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण भारत और भारत के वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो द्वारा शुरू की गई जागरूकता अभियान सभी जानवर इच्छा से पलायन नहीं करते का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, दिया मिर्जा। इस प्रश्न में देखेंगे तो बहुत सारे फैक्ट लिखे गए हैं प्रश्न में ही। अगला, 9 मई 2019 को भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किस द्वीप पर संयुक्त अभ्यास बुल स्ट्राइक किया गया, तो यह टेरेसा द्वीप पर किया गया। अगला, हाल ही में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA द्वारा सूक्ष्म बीमा पर नियामक ढांचे की समीक्षा हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है, तो इसका उत्तर है सुरेश माथुर। अगला, हाल ही में मध्य पूर्व एशिया के किस देश में राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता रणनीति 2031 को मंजूरी प्रदान की गई है, तो कतर में खूब पैसा हो गया है, तेल और गैस बेचकर दुनिया भर की कंपनियां खरीद रहे हैं और नई नई चीजें कर रहे हैं। अगला, वर्ष 2022 तक मानव मिशन के लिए भारतीय वायुसेना और किसके बीच एक समझौता हुआ है, इसरो। अगला, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने ग्रेजुएशन पूरा करने से पहले छात्रों को कम 10 पौधे लगाना अनिवार्य कर दिया है, तो ये खबर खूब चर्चित हुई है। ठीक है, ये फिलीपींस की बात है, तो इस पर भी नजर रखिएगा। अगला, वीडियो प्लेटफॉर्म यूट्यूब ने हाल ही में कौन सा ऐप बंद कर दिया है, तो उसका नाम है यूट्यूब गेमिंग। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 9% से बढ़ाकर 12% कर दिया है, तो हरियाणा सरकार ने कर दिया है। ये वैसे यूजलेस प्रश्न था। आगे, DRDO ने हाल ही में कौन सी एयर डिफेंस मिसाइल का सफल परीक्षण किया, तो ये आकाश, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस वर्ष चंद्र मिशन आर्टेमिस को लॉन्च करने के शेड्यूल की घोषणा की है, तो वर्ष 2024 में। इस प्रश्न में भी बहुत से फैक्ट दिए गए हैं। अगला, 17वीं लोकसभा के चुनाव में पहली बार सर्वाधिक कितनी महिलाएं निर्वाचित हुईं, तो देखिए इस प्रश्न में ही उत्तर बताया गया है कि सर्वाधिक इस बार हुई, अभी तक जो है जितने भी हुए, और ये संख्या है 78 महिलाएं। इतनी महिलाएं कभी चुन करके संसद में नहीं पहुंची है। ठीक है,
ये भी प्रश्न बनेगा। अगला, 14 जून 2019 को साहित्य अकादमी द्वारा वार्षिक युवा पुरस्कार की घोषणा की गई, इसमें हिंदी के किस लेखक को इस पुरस्कार हेतु चुना गया? तो अनुज लुगुन को चुना गया। अगला, DRDO ने एक सुखोई लड़ाकू विमान से कितने किलोग्राम श्रेणी के साथ एक गाइडेड बम छोड़ने का सफल परीक्षण किया? 500 किलोग्राम। अगला, अमेरिका का कौन सा राज्य मानव शव से, यह महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, अमेरिका का कौन सा राज्य मानव शव से खाद बनाने की मंजूरी देने वाला विश्व का पहला राज्य बन गया है? अगला, हाल ही में किसने डिमेंशिया के खतरे को कम करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं? WHO। कमेंट करके बताइए यह डिमेंशिया क्या है। अगला, हाल ही में किसने मानसिक समस्याओं और अनुवांशिक बीमारियों को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से बाहर नहीं रखने का प्रस्ताव किया गया है? IRDA ने किया है, वही रेगुलेटर है बीमा व्यवसाय का। आगे, ईरान से तेल आयात पर प्रतिबंध लगने के बाद IOC ने किस देश से तेल की आपूर्ति के लिए करार किया है? तो यह करार किया गया अमेरिका से। अगला, DRDO ने किस राज्य के चांदीपुर में हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी अभ्यास का सफल परीक्षण किया? उड़ीसा। अगला, फेसबुक ने व्हाट्सएप पे को भारत में लॉन्च करने के लिए उसका वैश्विक संचालन सेंटर किस शहर में बनाने की घोषणा की? इसका उत्तर है लंदन। अगला, भारतीय थल सेना द्वारा मानवीय सहायता व आपदा राहत अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका उत्तर है राजस्थान, जयपुर, कोटा, अलवर में। अगला, भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहला विशिष्ट भौगोलिक संकेतक स्टोर खोला गया है? तो ये है गोवा में। अगला, दृष्टि बाधित लोगों की सहायता के लिए किस IIT ने रोशनी नामक ऐप लॉन्च किया है? IIT रोपड़ ने किया है। अगला, ये भी जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का दूसरा रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो यह है तमिलनाडु में। ठीक है, अब कमेंट करके मुझे बताइए ये प्रश्न क्या पिछले पार्ट वन में भी था, पिछले लेक्चर में भी था? अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं या नहीं, देख रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, ठीक है, हम PDF तो इसका देंगे ही, लेकिन एक बार सुनने से जो है उसके बाद उसे पढ़ने से जल्दी याद होता है। ठीक है, अगला, भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के किस नगर में भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन किया है? मुंबई में किया गया है। हाल ही में किस संस्था ने सबसे लंबी साइकिल परेड में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नया रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो CISF इसका उत्तर है। अगला, देश भर में निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह है वन नेशन वन कार्ड। अब यहां एक बात ध्यान रखिएगा, वन नेशन वन कार्ड जो है राशन कार्ड जो जारी किया गया है कि कोई भी कहीं का भी निवासी हो, किसी भी राज्य में रहेगा तो वो राशन कार्ड ले लेगा, ये जो स्कीम है उसे भी वन नेशन वन कार्ड ही कहा गया, लेकिन यहाँ जो पूछा जा रहा है ये दूसरा कार्ड है, ये जो है मेट्रो के लिए है, टोल प्लाजा के लिए है और विभिन्न तरह की परिवहन की जरूरतों के लिए ये कार्ड विकसित किया गया है। ठीक है, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड इसे कहा गया है। ठीक है, तो ये अलग कार्ड है और वो अलग कार्ड है, इसलिए कन्फ्यूज मत होइएगा। और इसी के साथ आप बहुत सारे लोग जो है अब इस समय जुड़ गए हैं, तो अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस लेक्चर को जरूर लाइक करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किसको ICC क्रिकेट कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका उत्तर है अनिल कुंबले। आगे, इसरो द्वारा स्कूली बच्चों के लिए शुरू किया गया युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम का नाम क्या है? तो UVIKA इसका नाम है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न सीधे सीधे एग्जाम में दिख जाएंगे आपको। अगला,
वर्ष 2019 में आयोजित उत्तर कोरिया यूनाइटेड स्टेट्स कार्यक्रम समिट का आयोजन किस देश में हुआ? तो यह हुआ वियतनाम में। अगला, हाल ही में भारत के किस शहर में पहली मोनोटेल परियोजना चलाई गई? तो इसका उत्तर है मुंबई। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा किस राज्य में साउनी जल परियोजना की शुरुआत की गई? तो इसका उत्तर है गुजरात। अगला, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश की सीमाओं के साथ 61 किमी स्मार्ट फेसिंग प्रोजेक्ट बोल्ड क्विट का उद्घाटन किया? तो ये भारत बांग्लादेश उधर से जो है ज्यादातर इधर आने का काम करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। अगला, भारत के लिए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो NPCI के द्वारा विकसित किया गया है, अभी जिसकी हम लोग बात किए। अगला, आजादी के दीवाने संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, दिल्ली में। अगला, केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिलिट्री पुलिस में कितने प्रतिशत महिलाओं को भर्ती करने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर है 20%। अगला, रेल मंत्रालय द्वारा पेश किया गया अंतरिम बजट 2019 में विजन 2030 के अंतर्गत कितने आयामों की घोषणा की गई? तो ये 9 है, ठीक है, बजट सब एक ही में आता है रेल मंत्रालय के लिए, फिर भी अभी अलग से बात होती है तो बस उसी का है। अगला, हाल ही में किस विभाग द्वारा लेडीज पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यह है भारतीय अंतरदेशीय जल प्राधिकरण। अगला, वर्ष 2022 में होने वाले एशियाई खेलों के लिए समन्वय समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर है रणधीर सिंह। अगला, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो इसका उत्तर है 78। अगला, हाल ही में किस देश के राष्ट्रीयकृत बैंक ने 100 रुपए से उच्च मूल्य के भारतीय नोटों को प्रतिबंधित किया है? तो इसका उत्तर है नेपाल। नेपाल में जो है समय समय पर कई बार ये चीज की गई है, ठीक है, 100 का नोट एकदम वहां एक्सेप्ट किया जाता है। अगला, द्वितीय आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो यह किया गया असम में। अगला, हाल ही में किस देश ने हिंदी को न्यायालय की तीसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा प्रदान किया है? आबू धाबी ने किया है, बहुत जो है खुशी की बात है। अगला, भारत के किस, ये प्रश्न सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा, भारत के किस देश ने जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रिफरेंस नामक वाणिज्यिक नीति को समाप्त करने की घोषणा की है? ये विश्व के किस देश ने, यहां भारत हो गया है, ठीक है, इसको कर लीजिएगा सही, हम इसको ठीक करा देंगे PDF में। अगला, IMF द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि दर वर्ष 2019 में कितनी रहने वाली है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार पूछा जा रहा, तो यह है 7.5%। अगला, भारत ने 2019 में किस देश को पीछे छोड़ते हुए स्टील उत्पादन में दूसरा स्थान हासिल किया है? तो जापान को भारत ने पीछे छोड़ दिया है। अगला, हाल ही में देश का पहला दवा मूल्य निगरानी एवं अनुसंधान इकाई की स्थापना किस राज्य में की गई? तो केरल में की गई। अगला, अंतरिम बजट 2019-20 में कितने रुपए तक की आय को इनकम टैक्स से फ्री रखा गया है? तो 5 लाख की आय को फ्री रखा गया, बहुत से टर्म्स एंड कंडीशन इसमें हैं। अगला, हाल ही में क्रिप्टो करेंसी जारी करने वाला विश्व का पहला बैंक कौन सा है? तो JP Morgan ने जो है इसे जारी किया है। ये क्रिप्टो करेंसी बहुत चर्चा में रह रही है, तो इसलिए ये प्रश्न बन सकता है। अगला, स्वच्छ शक्ति सम्मेलन 2019 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका उत्तर है हरियाणा में किया गया। अगला, हाल ही में किस राज्य ने संस्कृत को दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा प्रदान करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश के एग्जाम में यह जरूर पूछा जा सकता है, इसलिए
इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश, और इसे जो है ध्यान से याद कर लीजिए। अगला, हाल ही में किस राज्य की सरकार द्वारा वृद्ध जन पेंशन योजना प्रदान करने की घोषणा की गई? तो इसका उत्तर है बिहार। अगला, हाल ही में किस राज्य में पहली स्वदेश दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो इसका उत्तर है सिक्किम। अगला, ओडिशा राज्य में कौन से बंदरगाह की आधारशिला रखी गई है? तो इसका उत्तर है सुवर्ण रेखा। अगला, हाल ही में किस राज्य ने एनआरआई पेंशन योजना की शुरुआत की है? तो केरल ने। केरल में जो है, केरल की अर्थव्यवस्था ही रेमिटेंस से ही चल रहा है। रेमिटेंस यानी जो है बाहर के देशों से जो यहाँ के काम करने वाले लोग पैसा भेजते हैं उसको कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनको उपहार के रूप में राज्य ने दिया है। अगला, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बलों ने किस रेलवे स्टेशन पर महिला दस्ते जयमती वाहिनी का शुभारंभ किया है? तो यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है, यह है गुवाहाटी। अगला, किस भारतीय इतिहासकार को वर्ष 2019 का केन डेविड पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यह है संजय सुब्रमण्यम, ठीक है। अगला, टैगोर सांस्कृतिक सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर है राजकुमार सिंधाजीत छायानाट रामजी सुतार, बहुत बड़ा नाम हो गया। अगला, शेख सौदे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय निम्नलिखित में कौन हैं? तो निम्नलिखित तो नहीं है, ये एक ही नाम है, ठीक है। तो यहां जो है निम्नलिखित नहीं, भारतीय कौन हैं, ठीक है, तो सी एन राव हैं। अगला, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मान लीजर डी आनर से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो ये अब्दुल अजीज को किया गया। और अगला, अशोक चक्र 2019 किस व्यक्ति को मरणोपरांत प्रदान किया गया? तो ये उत्तर है नजीर अहमद वानी को। तो ये भी कमेंट करके बताइए कि क्या ये भी प्रश्न पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो इस प्रकार से इस सीरीज का ये दूसरा लेक्चर संपन्न हुआ। मिलता हूँ इसी सीरीज के अगले लेक्चर में। अभी तक अगर आपने इस लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। मिलता हूँ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को।